ये इस सरकार में जितना भी उपचुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की जीत हुई, रामगढ़ उपचुनाव में हार हुई। एक प्रभारी के रूप में आप कैसे देखते हैं? प्रभारी के रूप में मुझे तो दुख है, और लेकिन एक स्टूडेंट ग्रुप में उसका समीक्षा अगर करें तो आप राजनीतिक परिस्थितियाँ जब पिछली बार हमने 22 साल के बाद में जब ये 32 साल के बाद 32 साल के बाद में हम जब ये सीट हमने जीती थी पिछली बार, हमारी बहन ममता देवी जी वहाँ से चुनकर आई थी। उस समय त्रिकोणीय मुकाबला था, भाजपा लड़ रही थी, भाजपा लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, और इसके चलते हुए हमारी बहुत ही बहादुर बहन है, उसने हमने मुकाबले में और संगठन भी मजबूती के साथ लड़ा, तब भी लड़ा, हमने जीत हासिल की। इस बार अगर समीकरण देखें, अगर जिसको हम कहें कि अरिथमेटिकल इक्वेशंस अगर हम देखें कंपेरेटिव, तो नंबर हमको उस प्रकार से अगर बीजेपी और आरएसयू के वोट मिला दें तो हमको कितने वोटों से हारना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हार जो है, हार तो हार ही होती है, लेकिन एक चीज मैं उसमें पॉजिटिव ये कहूँगा कि पूरा संगठन एकजुट होकर, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, संबंध हमारा संगठन और गठबंधन दोनों ने मजबूती से इस चुनाव को लड़ा। उम्मीदवार ने मेहनत की, हर एक ने मेहनत की, लेकिन जातीय समीकरण और बाकी सब पे चलते हुए, आपको भी उस चीज की जानकारी और राजनीतिक समीकरण वहाँ पर हुआ है, उसके चलते हुए आप भी जानते हैं कि इट वॉज अ टफ इलेक्शन। और दूसरा, जिस प्रकार से आर्थिक व्यवहार वहाँ पर हुए चले, उसमें निश्चित रूप से मेरा संगठन गठबंधन ने तो मजबूती से काम किया। कई जगह में जिस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर चली उसके हम उससे तो हम पाना तो पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन उसके चलते हुए भी पार्टी ने और गठबंधन ने परफॉर्मेंस बेहतर किया है। और हमको कुछ कभी अभी वहाँ महसूस हुई, कुछ हमारे वहाँ के नेतृत्व के बारे में भी जानकारी मिली, और मुझे विश्वास है कि उन सब चीज़ों को पूरा करते हुए आने वाले समय में, एक 2024 दूर नहीं है, हम उसका जवाब देने के लिए अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी। पिछली बार जैसे भाजपा राजस्व अलग अलग चुनाव लड़ी तो महागठबंधन को फायदा हुआ, अगर आने वाले समय में दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन की रणनीति क्या होगी? देखिए, महागठबंधन की नीति आरएसयू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से डायरेक्ट संबंध तो नहीं रखता, लेकिन निश्चित रूप से जगह जगह पर जिसकी राजनीतिक उपस्थिति प्रेजेंस, जिसको पॉलिटिकल प्रेजेंस इन विच एरिया, यहाँ पर जिसकी बनती है, उस प्रकार से हमको हमारी रणनीति बनानी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कामों की उपलब्धियाँ, हमारी विचारधारा, हमारे नियम, इन सब चीज़ को देखते हुए आने वाले समय में पूरे विश्वास के साथ में हम आने वाले समय में यहाँ पर एक बदलू सरकार। वर्तमान सरकार में 4 आपके मंत्री हैं, उनके कामकाज को कैसे आकलन करते हैं? क्या चुनाव में जब 2024 का चुनाव आएगा तो उसमें इन मंत्रियों के जो कामकाज है उनको लेकर के आपको सहयोग मिलेगा? जहाँ तक चारों मंत्रियों का सवाल है तो मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि हमारे संतोषजनक है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके ऊपर में अपेक्षानुसार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जहाँ तक संगठन का सवाल है, जहाँ तक के उनके डिपार्टमेंट से संबंधित भी कई चीज़ें जो बेहतर कर सकते हैं, वो दिशा में हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर वो करेंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि समय समय पर कई परिस्थितियों को देखते हुए कई चीज़ों में निर्णय लेने होते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है कि जिम्मेदारियाँ और भी किसी में दी जा सकती। कई बार आपके दल के विधायक ही कहते हैं कि मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे, चेहरा बदलना चाहिए, आप इसे किस रूप में लेते हैं? लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी तो है, लेकिन अनुशासन के अंतर्गत अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी फोरम पे ये बात कही जाती है तो उसको सकारात्मक रूप से, निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी, करती है। लेकिन इसे अगर प्रचार माध्यम से या गलत नियत से अगर इसके ऊपर में कमेंट किया जा सकता है तो वह उस चीज़ पर कभी पार्टी गौर नहीं करती। मैंने आपसे कहा मेरे मंत्रियों का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, सुधारना की आवश्यकता है,
संगठन से उनका जुड़ाव, संगठन के प्रति उनकी जिम्मेदारी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्यकर्ता असंतुष्ट है जैसा आपने कहा, वास्तविकता है, क्योंकि कुछ मंत्री कार्यकर्ताओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं, कोशिश कर रहे हैं, समय अवधि दी गई है, अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो उसमें जो भी उचित निर्णय लिया जाए। विधायकों का ये अक्सर मतलब ये शिकायत मिलते रहते विधायकों से कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती है, ना ही प्रशासन के लोग सुनते, मतलब सदन में भी ये बातें उठी है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के विधायकों की है कि मेरा बहुत स्पष्ट है मेरे कांग्रेस के विधायकों के बारे में कि वो सब अपने अपने क्षेत्र में चुन के आए, तो जनता की कुछ आशाएं उम्मीदें उनके सामने, जनता के कार्य के साथ साथ में संगठन की भी कुछ आशाएं उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें थोड़ा कहीं कहीं पे तालमेल बिगड़ता है, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो मुझे लगता है कि एक समन्वय के साथ में कार्य करना आवश्यक है, कि उसी समय में ये भी आवश्यक है, जैसे मैंने आपने कहा कि नियत बहुत आवश्यक है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं मान सकते हैं हम, और इसके चलते उनकी शिकायत कई बार सरकार से होती है, कई बार विशेष मंत्री से होती है, कभी कोई डिपार्टमेंट से होती है, तो वो अपने जन के चुने हुए लोक प्रतिनिधि हैं और आवश्यक है कि इन चीज़ों के बीच में से भी काम कैसे करना है इसमें भी उनकी सफलता और असफलता उस पर निर्णय कर दी, सिर्फ शिकायत करने से तो बात होगी नहीं, तो मेरा सिर्फ ये बोलना है कि शिकायतें हमेशा से रही हैं, रहती आएंगी, लेकिन उसको गंभीरता से इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के प्रतिनिधियों से भी, मंत्रियों से, मेरे मंत्रियों से भी मैंने बात किया, सुधारना भी हुई है, कई चीज़ें सुधरी भी हैं और कुछ सुधरने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों तरफ से मैं इसको कहना चाहूँगा कि सिर्फ शिकायत करने से जिम्मेदारियों का से आप पीछे नहीं हट सकते, आपको जो डिलीवर करना है उसमें से 70% चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर संगठन के लिए या जनता के लिए, आपको लोगों के बीच में जाने के लिए कोई नीति उसकी आवश्यकता नहीं, राहुल जी की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको किसी ने, कोई सरकार ने कोई किसी ने रोका नहीं, संगठन के कार्यालय में विजिट करना या संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो 70% जिम्मेदारी है उसका वो बहन ध्यान से करें, बाकी चिंता ना करें, बाकी अगर वो ये 70% चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अपने आप वो 30% चीज़ें चल कर उनके पास आएंगी, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे कह दिया और यही कई बार पसंद नहीं आता, क्योंकि यही चीज़ मैं उनसे भी कहता हूँ, क्योंकि मैं भी विधायक रह चुका हूँ, मैं भी सांसद रह चुका हूँ, मैं भी जनपद रह चुका हूँ, सो ये जो चीज़ें हैं कई जगह में हमको खुट्टा टोलना होगा कि उसमें हमारी कमी क्या है, सरकार की कमी आपने बता दिया, संगठन की कमी बता दिया, उसको तो हम पूरा करेंगे, उसकी जो नैतिक प्रक्रिया है वो उसके चलते हुए एक्शन भी हम ले लिए, लेकिन उसका दूसरा भाग जो है उसको जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ संगठन के साथ आपको जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ आपको जुड़ना होगा, जनता की समस्याओं के, जनता की भावना के साथ आपको जुड़ना होगा, तब आप जनप्रतिनिधि, ये बहुत स्पष्ट मेरा मानना है, उसके बाद में आपके अधिकार, आपके वर्क्स, आपके प्रिविलेजेस जो हैं यहाँ पर जितने मजबूत आप रहेंगे तो ये प्रिविलेजेस और वर्क्स और सुविधाएँ अपने आप आ जाएंगी। क्या अगला विधानसभा चुनाव फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी? अगला विधानसभा चुनाव अगर गठबंधन का होता है तो गठबंधन का सामूहिक नेतृत्व होता है, गठबंधन का नेतृत्व होता है उसमें, लेकिन जैसे आप कहा कि आज की तारीख विधानसभा की बात आपने की, तो विधानसभा में तो बड़े भाई वही हैं, बड़े पार्टनर वो हैं, नेतृत्व जो है आज की वर्तमान सरकार का भी नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक समीकरण भी यही बोलता है कि कांग्रेस और गठबंधन का नेतृत्व उनके पास ही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।